हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी हमें कैसे स्टिच करना है और कैसे इसकी कटिंग करनी है। अपने फैब्रिक को ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। ये 4 फोल्ड कपड़ा है। इसके बाद हम सबसे ऊपर यहाँ वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट के निशान के लिए हम अपनी वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे, जिससे हमारी वेस्ट का यहाँ पे 32 इंच वेस्ट है तो हम उसका चौथा भाग यानी 8 इंच लेंगे और उसमें 2 प्लस करेंगे या 10 इंच पर निशान लगाएंगे। वैसे ही आपको आपके वेस्ट का चौथा भाग लेकर उसमें 2 प्लस कर लेना है। इसके बाद हम लेंथ में निशान लगाएंगे। जहाँ आपने वेस्ट का निशान लगाया है उसी से लेकर हमें जितनी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस कर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ 1 इंच का मार्जिन हम नीचे से लहंगे को फोल्ड करने के लिए लेंगे। इसके बाद हम ऐसे ही गोलाई में इसको शेप देते हुए निशान लगा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। यहाँ हमने लहंगा कट कर लिया है। इसके बाद वैसे ही जैसे हमने मेन फैब्रिक की कटिंग करी थी, वेस्ट का निशान लगाकर और लेंथ में निशान लगाकर अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अस्तर की कटिंग के लिए हम यहाँ 2 इंच अस्तर की लेंथ हम मेन फैब्रिक से 2 इंच कम रखेंगे। गोलाई में निशान लगाकर हमें इसे कट कर लेना है। इसके बाद हम अस्तर रखकर उसके ऊपर मेन फैब्रिक रखकर वेस्ट सबसे पहले वेस्ट से इसको जोड़ेंगे। हमें मेन फैब्रिक को ऊपर रखना है और अस्तर को नीचे रखना है और वैसे ही इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। हमारा ऊपर का जो मेन फैब्रिक है उसमें मैंने यहाँ छोटी छोटी ऐसे प्लेट्स देते हुए वेस्ट से इन दोनों को जोड़ लिया है। आप चाहें तो मेन फैब्रिक और अस्तर को बराबर काटकर सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए मैंने इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स डाली है ताकि हमारा स्कर्ट जो है उसका घेरा अच्छा दिखे। बस ऐसे ही पूरी वेस्ट से हमको जोड़ लेना है प्लेट देते हुए। इसके बाद हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट के लिए यहाँ हमने 3 इंच चौड़ा एक पट्टा लिया है। हमें जितना हमारी वेस्ट है उसको पहले नाप लेना है, उसके बाद हम उतना ही एक पट्टी लेंगे और फिर इसमें बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट को नीचे की साइड रखते हुए पहले हम एक सिलाई लगाएंगे और फिर इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। यहाँ आप चाहें तो नाड़ी डाल सकते हैं या फिर इसके अंदर लास्टिक भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ नाड़ी के लिए बना रही हूँ तो इसमें ये दोनों साइड से ओपन रहेगा। जब हम बेल्ट डालें इसके अंदर प्लास्टिक डालेंगे तो इसको दोनों तरफ से बंद करते हुए फिर इसमें लास्टिक लगा देंगे। यहाँ मैंने ये नाड़ी के लिए बनाया है। अब हम इसको ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। आप नेफा लगाते समय हमेशा ध्यान रखें कि हमें इसे उल्टी साइड से लगाते हुए सीधी साइड ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि ये फिनिशिंग से लगे। Thank you.
इसकी दोनों साइड ओपन है यहाँ नाड़ी। बेल्ट लगाने के बाद अब हम इसकी दोनों साइड को फोल्ड कर लेंगे। उससे पहले जो हमें अस्तर का नीचे का हिस्सा है उसको हमें फोल्ड करके ऐसे ओट लेना है। ऐसे ही हम इसको पूरे राउंड में जितना हमारा घेरा है वैसे पूरा फोल्ड कर लेंगे नीचे से। फोल्ड करने के बाद नीचे से अब हमें इसे साइड से जोड़ना है, तो साइड से जोड़ने के लिए पहले हम मेन फैब्रिक के दोनों पार्ट को पकड़कर ऐसे जोड़ लेंगे और उसके बाद अस्तर को भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे। हमें इन दोनों को अलग अलग जोड़ना है, साथ में फोल्ड नहीं करना है। पहले हम मेन फैब्रिक के दोनों पार्ट को पकड़कर ऐसे जोड़ लेंगे और फिर अस्तर को। अब यह लहंगे में मेन फैब्रिक के नीचे अगर आप चाहें तो यहाँ पीको करवा सकते हैं, या फिर ऐसे नीचे से थोड़ा फोल्ड करते हुए हाफ इंच सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ मशीन से ही फोल्ड कर रही हूँ इसको। पूरे सर्कल में हमारे स्कर्ट में जितनी हमारा पूरा सर्कल है वैसे इसमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ हमने पूरे सर्कल में सिलाई लगा ली है और ये हमारी स्कर्ट बनकर तैयार है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।